हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। और एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी करंट अफेयर्स ऑन वीकली बेसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है जीआई टैग टू अपतनी टेक्सटाइल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अभी जीआई टैग मिला है रिसेंटली मिथिला के मखानास को, जिनको हम फॉक्स नट्स भी बोलते हैं। अभी यहाँ पर अपतनी टेक्सटाइल्स को मिला है जीआई टैग। जीआई टैग का अगर मैं आपको एक्सटेंशन बताऊँ तो दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी या गुड की ना कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की या उस चीज की कोई अच्छी एक गुडविल है मार्केट में, जैसे कि दार्जिलिंग टी मैंने आपको बताया था, या फिर अगर हम लोग उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं तो उत्तराखंड का तेज पत्ता, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग से क्या होता है, इट गेट्स अ गुडविल। और जिस जीआई टैग को अगर आप मतलब किसी भी कमोडिटी को अगर आप जीआई टैग दे देते हैं तो फिर कोई दूसरी स्टेट जो है या कोई दूसरी जगह, कोई दूसरी लोकेशन उस पर्टिकुलर कमोडिटी को उस नाम से बना करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं ले सकती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन्हीं के पास होंगे जहां से जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रजिस्टर्ड। ठीक है, अभी ये जो अपतनी टेक्सटाइल्स है, ये जो है अपतनी क्या है, एक ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, एक ट्राइब है अपतनी। ठीक है, तो वहां की ये जो ट्राइब है उस ट्राइब में ये पर्टिकुलर टाइप का शॉल्स और इस टाइप के स्वेटर्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स होते हैं, ये कुछ लाइंस वाले इस टाइप के बहुत ही खूबसूरत डिजाइन होते हैं, इस तरह का टेक्सटाइल वहां पर फॉर्म होता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है अपतनी ट्राइब। ठीक है, और ये जो ट्राइब है ये कहाँ पे रिसाइड करती है? अरुणाचल प्रदेश में जीरो वैली है, वहां पर ये ट्राइब जो है रिसाइड करती है। ठीक है, अभी अगर हम और प्रेजेंट में और अगर गुड्स की बात करें जो कि अरुणाचल प्रदेश से रजिस्टर्ड है फॉर जीआई, तो वो है अरुणाचल के ऑरेंजेस और इदू मुशमी टेक्सटाइल। इदू मुशमी भी क्या है? एक ट्राइब है। इदू मुशमी इज ऑल्सो अ ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये भी टेक्सटाइल्स इस तरह के फैब्रिक्स बनाते हैं। तो इनका भी जो ये इदू मुशमी टेक्सटाइल है इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीआई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाती हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विक्रम साराभाई की डेथ एनिवर्सरी की। ठीक है, आई होप वी ऑल नो दिस पर्सनालिटी। काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम, काफ़ी हम इंडिया जो है काफ़ी आगे ग्रो कर रहा है, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में। सो उसके लिए अगर आप देखें तो क्रेडिट जाता है इस तरह की महान पर्सनालिटीज़ को। विक्रम साराभाई, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, 30th दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। इनका पूरा नाम है विक्रम अम्बाला साराभाई। विक्रम ए साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। He was a physicist and astronomer. In the year 1962 में इन्होंने एक कमिटी बनाई थी, National Committee for Space Research, इसके लिए इन्होंने एक कमिटी बनाई थी और जिसको दोबारा नाम दिया गया Indian Space Research Organization. ठीक है, इसको नाम दिया गया Indian Space Research Organization. तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि विक्रम साराभाई ही इज द फाउंडर ऑफ इसरो। ही इज द फाउंडर ऑफ इसरो। I'm giving you enough time कि आप लोग जितने भी स्लाइड्स मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोग इनका either you can take the screenshot or you can jot all these facts in a form of one liners. Next हम लोग बात करते हैं फ्लोरोना की। First case of Florona detected in Israel. Florona क्या है? देखो Florona it is made up of two terms, flu and corona. अच्छा flu के लिए अगर हम बात करें तो it is influenza. इन्फ्लुएंजा, इसी के लिए एक्रोनिम हम यूज करते हैं फ्लू। और समटाइम्स ये जो क्या है, वैसे तो हम इसको बहुत कॉमन कोल्ड होता है, बहुत कॉमन सा हम लोग इसको समझते हैं प्रॉब्लम, बट समटाइम्स इट इज अ वेरी डेडली डिजीज। तो इन्फ्लुएंजा के लिए भी वैक्सीनेशन होते हैं और कोरोना के लिए तो वी ऑल नो। ठीक है, तो अभी क्या है जो ये नई डेवलपमेंट हुई है फ्लू और कोरोना की, इसराइल में एक केस जो सबसे पहला केस डिटेक्ट हुआ है, एक प्रेग्नेंट वुमन है और वो हॉस्पिटल जब एडमिट हुई हॉस्पिटल में फॉर द डिलीवरी, तो तब उनकी रिपोर्ट से पता चला कि शी इज सफरिंग विद दिस फ्लोरोना, यानी कि अभी कंबाइन हो चुका है फ्लू और कोरोना, दोनों के सिम्टम्स जो है विजिबल होते हैं, जो भी सफरर है उसमें दोनों के ही सिम्टम्स विजिबल होते हैं।
फ्लू और कोरोना दोनों के, ठीक है। इसराइल में अगर अभी मैं प्रिवेलिंग, इसराइल में एक न्यूज़पेपर है यदियोत अहरोनोत, यदियोत अहरोनोत नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसमें ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी और उससे पता चला है द वुमेन इज सफरिंग विद फ्लोरोना। अगर हम वैक्सीन, और ये चीज़ भी पता चली कि जो वुमेन थी उसने कोई भी मतलब वैक्सीनेटेड नहीं थी दोनों ही डिजीजेस के लिए, नाइदर शी वॉज वैक्सीनेटेड फॉर कोरोना नॉर फॉर फ्लू, दोनों के लिए ही वो वैक्सीनेटेड नहीं थी। अगर हम लोग इसराइल में इन पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ पे पी फाइजर और मोडर्ना, दिस इज ए ओके मोडर्ना, ये दोनों वैक्सीन देवर बींग एडमिनिस्टर्ड इन द पीपल ऑफ इसराइल। अगर हम लोग पी फाइजर की बात करें तो पी फाइजर क्या है, पी फाइजर कॉर्मेटी नाम की ट्रेड नेम, इसका ट्रेड नेम जो है, ट्रेड नेम ऑफ पी फाइजर, ट्रेड नेम ऑफ पी फाइजर मैं आपको बता देती हूँ, इट इज सोल्ड विद द ट्रेड नेम ऑफ कॉर्मेटी, मैं यहां लिख देती हूँ, दिस इज द ट्रेड नेम फॉर पी फाइजर। और ये जो है एक जर्मनी की एक कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेशन में बायो एंड टेक, जर्मनी की कंपनी है बायो एंड टेक, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है किसने, अमेरिकन कंपनी पी फाइजर ने, अमेरिकन कंपनी है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग वैक्सीन को एड्रेस करते हैं, वैक्सीन को इस नाम से जानते हैं, although P Pfizer is not a vaccine, vaccine का नाम है Comirnaty, और जो vaccine, जो P Pfizer है, it is an American company, ठीक है, American company है P Pfizer, तो इन्होंने मिलकर के develop की है ये vaccine, BioNTech Germany की company है और P Pfizer America की company है, मिलकर के बनाई है ये vaccine Comirnaty, ठीक है। Next हम लोग इसी में, अभी मैं ये Moderna की बात करूँ, अगर इसका ही एक name, इसका अदर नेम्स जो है इसके लिए आप देखेंगे तो दैट इज BNT162B2, दिस इज बी, तो दिस इज द अदर नेम यूज्ड फॉर पी फाइजर या फाइजर, जो भी हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, सो दिस इज द अनदर नेम फॉर दिस वैक्सीन। और अभी नेक्स्ट में अगर बात करूं इसकी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और मैं यहां से अगर बात करूं मोडर्ना की, तो मोडर्ना भी जो सेल की जा रही है उसका ट्रेड नेम इज समथिंग एल्स, मोडर्ना इज अ कंपनी, मोडर्ना की बात करें तो इसका ट्रेड नेम है स्पाइक वैक्स, ट्रेड नेम फॉर मोडर्ना इज स्पाइक वैक्स, ठीक है। और इसको डेवलप किया है अमेरिकन कंपनी है मोडर्ना, मोडर्ना इज द नेम ऑफ अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कंपनी ने डेवलप किया है, अमेरिकन कंपनी है मोडर्ना, उन्होंने इसको डेवलप किया है, ठीक है। स्पाइक वैक्स इज द नेम फॉर द वैक्सीन। और अगर हम इसके अदर नेम्स की बात करें तो mRNA 1273, mRNA 1273, this is the another name used for the vaccine. Next हम लोग बात करते हैं for झांसी रेलवे स्टेशन, it is renamed as वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। अगर हम लोग ये उत्तर प्रदेश का ये मैप है, अगर हम लोग इस मैप को देखें तो यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये है झांसी, यहाँ पर है झांसी, ठीक है, एंड इट इज रीनेम्ड एज वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन, यहाँ के जो स्टेशन है इसको नाम दिया गया है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन, चेंज कर दिया गया है। और ये जो चेंजेस आए हैं ये कैसे आए हैं, द नेम हैज बीन चेंज्ड आफ्टर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन यानी कि NOC मिलती है, मैं अभी आपके साथ इसका प्रोसीजर भी डिस्कस करूंगी। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन को रीनेम कर दिया गया है, अभी आपको पता ही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे करके कुछ जो जगह है
उनके नेम्स को चेंज किया जा रहा है, इट इज़ वेरी मच इन ट्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा है, अभी रिसेंटली चल रहा है, बार बार कभी कहीं कुछ चेंजेस आते रहते हैं। सो अभी जो है मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इट वॉज रीनेम्ड एज पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और फैजाबाद, फैजाबाद दे बोथ आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। फैजाबाद की जो है डिस्ट्रिक्ट है एक, उसको भी अयोध्या कैंट कर दिया गया। पहले ये सिर्फ एक टाउन था अयोध्या, अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है फैजाबाद से हटा करके अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, अभी अगर हम देखो यहाँ पे मैंने, अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ तो प्रोसीजर क्या है फॉर रीनेमिंग द स्टेट्स और फॉर रीनेमिंग द सिटीज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, अगर इनको चेंज करना है तो देखो प्रोसीजर इज डिफरेंट फॉर बोथ। स्टेट्स के लिए द प्रोसीजर इज डिफरेंट, और जो सिटीज और टाउन्स डिस्ट्रिक्ट वगैरह है इनके लिए द प्रोसीजर इज डिफरेंट। तो अगर मैं बात करूँ स्टेट्स की, तो स्टेट्स में ना स्टेट्स का जो प्रोसीजर है, स्टेट्स के रीनेमिंग के लिए जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आपके पास स्टेट्स को रीनेम करने के लिए, देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 3 डील्स विद द सेम। आर्टिकल 3 की बात करें अगर हम, तो आर्टिकल 3 डील्स विद द सेम, बट रीनेमिंग ऑफ आर्टिकल 3, ओके, बट रीनेमिंग ऑफ सिटीज इज डिफरेंट। रीनेमिंग ऑफ सिटीज इज डिफरेंट, इसके लिए प्रोसीजर इज डिफरेंट। सिटीज को आपने रीनेम करना है तो गाइडलाइंस है 1953 की, सरदार फतेह सिंह की गाइडलाइंस थी, ये डेप्यूटी सेक्रेटरी थे सरदार फतेह सिंह, सरदार फतेह सिंह जो थे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस फॉर्म की थी, इनकी गाइडलाइंस है 1953 की इनकी गाइडलाइंस है। इसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है वो क्या कहता है कि स्टेट लेजिस्लेशन का कोई भी मेंबर एक रेजोल्यूशन पास कर सकता, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास हो सकता है बाय द स्टेट, बाय एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एक रेजोल्यूशन पास होगा, फिर उस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा स्टेट लेजिस्लेशन, जो हाउस है इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट असेंबली, जो होती है स्टेट असेंबली में आप इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर इसके ऊपर क्या होगी, फिर होगी डिस्कशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे कि आफ्टर द चेंज कुछ नेगेटिव उसके इम्पैक्ट्स तो नहीं पड़ेंगे, डिस्कशन होगी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस और रीजंस बताए जाएंगे कि व्हाई वी आर चेंजिंग द नेम ऑफ द पर्टिकुलर सिटी और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्कशन होगी और उसके बाद फिर एक फॉर्मल सी इनकी वोटिंग होती है, हाउस जो असेंबली है वहां पर फॉर्मल वोटिंग होती है सिंपल मेजोरिटी से, इफ द रेजोल्यूशन इज एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन या फिर असेंबली के जो मेंबर्स हैं अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको तो इसको पास समझा जाता है। उसके बाद इस जो रेजोल्यूशन है इसको इन द फॉर्म ऑफ अ प्रपोजल, रेजोल्यूशन को एक प्रपोजल की फॉर्म में भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, फिर जो मिनिस्ट्री है ये कुछ अलग एजेंसीज जो है उनसे कंसिडर करती है, उनसे डिस्कस करती है, जैसे कि आईबी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उनसे डिस्कस करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट सर्विसेज जो होती हैं और जो सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, इन सबसे कंसिडर करने के बाद, इनसे सबसे डिस्कस करने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वहाँ पर तो एक एनओसी सर्टिफिकेट होता है, एनओसी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उसके बाद नेम चेंज हो जाता है। तो दिस वाज द प्रोसेस फॉर ऑफ रीनेमिंग द सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अदरवाइज स्टेट्स के लिए द प्रोसीजर इज डिफरेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब न्यू बॉर्डर लॉज ऑफ चाइना। अभी रिसेंटली चाइना जो है, चाइना ने इशू किए हैं कुछ अदर ऑफिशियल नेम्स फॉर 15 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश।
चाइना इश्यूज ऑफिशियल नेम्स फॉर 15 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है चाइना, अपना पार्ट कंसिडर करता है, स्पेशली वहां का एक तवांग रीजन है, तवांग रीजन यहाँ है कहीं इस तरफ, यहाँ इसके पास यहाँ कहीं है, तो इस तवांग इस तरफ कहीं है, तो यहाँ पर वो जो तवांग रीजन है इसको जो चाइना है इट कंसिडर्स अपना पार्ट, और मतलब पूरे वैसे तो अरुणाचल प्रदेश को, बट मेन जो यहाँ पर है, यहाँ पर डिस्प्यूटेड पार्ट है तवांग रीजन में। और जो है थर्सडे को, अभी जो लास्ट थर्सडे गया है वहां, उस दिन जो लॉज थे जो चाइना है उन्होंने लॉज प्रपोज किए थे लास्ट ईयर मार्च में, बट इसको इन्होंने ऑफिशियली जो है अब अनाउंस किया है, और 15 अलग अलग एरियाज हैं अरुणाचल प्रदेश में, उनको इन्होंने अपनी तरफ से ऑफिशियल नेम्स दे दिए गए हैं। अब वो क्या है, 8 एरियाज तो ऐसे हैं जो कि रेसिडेंशियल एरियाज हैं, आउट ऑफ 15 8 एरियाज आर रेसिडेंशियल एरियाज, 4 माउंटेन्स हैं उसमें, 2 रिवर्स हैं और 1 माउंटेन पास है। तो दे जो 15 रीजन्स मैं आपको बता रही हूँ उनमें 8 रेसिडेंशियल एरियाज हैं जिनको रीनेम किया गया है, 4 माउंटेन्स हैं, 2 रिवर्स को रीनेम किया गया है, और माउंटेन एक माउंटेन पास है उसको रीनेम किया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर डिस्प्यूट क्या है, अगर मैं इंडो सिनो इंडिया बॉर्डर की बात करूँ, चाइना के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर कौन कौन सी स्टेट्स को टच करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आई एम सॉरी दिस इज आंध्र प्रदेश लिख दिया है यहाँ पर, बट दिस इज अरुणाचल प्रदेश एंड जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, इन सबके साथ बॉर्डर जो है वो टच हो रहा है। लद्दाख में ये जो रीजन है अक्साई चिन, यहाँ पे जो रीजन है ये अक्साई चिन का जो रीजन है, यहाँ पर एक जो रीजन है अक्साई चिन, यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड लैंड है। हिमाचल और उत्तराखंड में है डिस्प्यूटेड कुछ बॉर्डर, और यहाँ ये सिक्किम में, और यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर मैकमहान लाइन है, मैकमहान लाइन, हेनरी मैकमहान थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया एट द कोलोनियल टाइम, उनके नाम पर ये मैकमहान लाइन है यहाँ पर, ठीक है, नाम था इनका हेनरी मैकमहान, इनके नाम पर इसको लाइन का जो है यहाँ पर ये जो बॉर्डर है इसको नेम किया गया था। अगर मैं पूरे बॉर्डर को डिवाइड करूँ तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो ये वाला जो बॉर्डर है इट इज वेस्टर्न सेक्टर, और इसका जो लेंथ है वो है 2150 किलोमीटर। फिर ये वाला जो पार्ट है जो हिमाचल और उत्तराखंड के साथ जो टच हो रहा है यहाँ तक ये पूरा, ये आता है, इसको मिडिल सेक्टर बोलते हैं या फिर सेंट्रल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो 625 किलोमीटर है। और फिर ये जो आंध्र, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो ये पार्ट है, इस सेक्टर को डिवाइड किया गया है, इस सेक्टर को कहते हैं हम लोग ईस्टर्न सेक्टर, और इसका जो लेंथ है दैट इज 140 किलोमीटर, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, एक सॉरी शिमला कन्वेंशन हुआ था जो कि तिब्बत के साथ हुआ था, बट जैसे कि चाइना ने एनेक्स कर लिया था तिब्बत को, तो चाइना उसको लीगल नहीं मानता है, चाइना उसको डिनाई करता है, कहता है कि वो तो आपने तिब्बत के साथ किया था, जो भी आपका कन्वेंशन था शिमला कन्वेंशन वो तिब्बत के साथ किया था, तो दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग टू देम, ठीक है। यहाँ पर भी जो अगर अक्साई चिन के एरिया में मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी डिस्प्यूटेड लैंड है, और यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, एक मैकडोनल्ड्स लाइन है और एक जॉनसन लाइन, यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, एक मैकडोनल्ड्स लाइन और एक जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड्स और एक जॉनसन्स लाइन, अक्साई चिन के रीजन की बात करी मैं, इस रीजन की यहाँ पर, ठीक है। तो अक्साई चिन रीजन में है ये दोनों लाइंस है, और अगर मैं बात करूं तो जो चाइना है वो कंसीडर करता है इसको, इस वाली लाइन को, जॉनसन्स लाइन को, ठीक है, और जो इंडिया है वो कंसीडर करता है इस लाइन को, मैकडोनल्ड्स लाइन को, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन है ये डिस्प्यूटेड हो गया है, अक्साई चिन का ये रीजन है पूरा, और इसको हम लोग LAC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3488 किलोमीटर का ये पूरा बॉर्डर है,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो है, इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगी, पूरा ये डिस्प्यूट हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो पूरा बॉर्डर है ये कैसे डिस्प्यूटेड है और क्या क्या इसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं और क्या क्या रिलेशंस जो हैं कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से खराब हो रखे हैं। तो इसको हम लोग, मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगी इसके लिए और उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक अभी हम लोगों को जो है सिर्फ करंटली ये समझना है कि न्यू बॉर्डर लॉज जो है चाइना ने अभी ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश में 15 अलग अलग एरियाज हैं उनको रीनेम किया है। ओके, एक अभी हम लोग ब्रीफ में थोड़ा यहाँ पर समझ रहे हैं, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी उसमें हम लोग पूरा जो है इसमें जो पूरा क्लैश है इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ लामा टू डाइड। हम सबको पता है कि व्हेन द चाइना इट एनेक्स्ड तिब्बत, तो वहां से कुछ जो दलाई लामा थे और उनके साथ कुछ सोल्जर्स का ट्रूप था और कुछ लोग थे, दे केम टू इंडिया और यहाँ पर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने उनको असाइलम दिया था वहां पर और धर्मशाला से उन्हें अलाउ किया था कि वो अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाइल गवर्नमेंट वो वहां से अपनी रन कर सकते हैं। तो उस ट्रूप के जो जितने भी मेंबर्स थे उनमें एक मेंबर थे अभी तक हवलदार नरेन चंद्र दास, ये जो थे ये लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे और इनकी एज थी अभी 83 ईयर्स और इनकी डेथ हुई है अभी 27 दिसंबर 2021 में इनकी डेथ हुई है 27 दिसंबर को और ही वॉज द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द लामा ट्रूप जो साथ में आए थे दलाई लामा के साथ जो आए थे उसके सबसे लास्ट सर्वाइविंग मेंबर हवलदार नरेन चंद्र दास थे। ठीक है, अभी की अगर मैं बात करूँ ये जो तिब्बत से जो आए थे दे केम इन द ईयर 1959। ओके, अभी की जो मैं बात करूँ जो दलाई लामा है ही इज द 14th दलाई लामा, इज द 14th दलाई लामा, इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, इनको ग्यालवा रिम्पोची के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी है और ही बिलोंग्स टू गेलुप्पा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बत, ही बिलोंग्स टू गेलुप्पा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बत, तिब्बतन बुद्धिज्म जो है। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूँ तो बुद्धिज्म को वैसे मेजरली 3 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, थेरावाडा, महायाना और तिब्बतन। तिब्बतन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे 4 सेक्ट्स हैं और फर्दर 4 सेक्ट्स में तिब्बतन बुद्धिज्म के हिसाब से 4 अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो मैं गेलुप ट्रेडिशन की बात कर रही हूँ यहाँ पर इसको येलो हेड भी बोलते हैं, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि येलो हेड क्या है, इट इज अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। क्वेश्चन में भी आपको फॉर्म हो सकता है इस तरह से कि वट इज येलो हेड को क्या, किस चीज़ के लिए हम लोग इसको रेफर करते हैं बुद्धिज्म में। तो तिब्बतन बुद्धिज्म जो है मेजर 3 सेक्ट्स हैं इसके, थेरावाडा, महायाना और तिब्बतन सेक्ट। तिब्बतन में भी 4 फर्दर सेक्ट्स हैं इसके जिसमें कि चारों के मैं आपको नाम बता देती हूँ। न्यूंगमा एक है, अभी प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम है इनको कि कैसे मैं प्रोनाउंस करूँ, बट आई एम राइटिंग देम ओवर हियर। सो काग्यू, ये अलग अलग सेक्ट्स हैं। साक्या, साक्या सेक्ट और गेलो, गेलुप्पा, ये 4 सेक्ट्स हैं तिब्बतन बुद्धिज्म के हिसाब से, 4 सेक्ट्स हैं और इनमें से जो अभी करेक्ट जो दलाई लामा है ही बिलोंग्स टू दिस सेक्ट। अभी तक ओनली 14 दलाई लामाज हैव बीन सिलेक्टेड, अभी तक सिर्फ 14 ही हुए हैं और पहले जो थे, सबसे पहले दलाई लामा जो थे वो थे गेंदुन दुर्पा, ही वॉज द फर्स्ट दलाई लामा और गेंदुन ग्यात्सो ही वॉज द सेकेंड वन। और दोनों को जो दलाई लामा का टाइटल दिया गया है वो पॉस्ट्यूमसली दिया गया, पॉस्ट्यूमस मतलब आफ्टर डेथ, पॉस्ट्यूमस मतलब आफ्टर डेथ। अवलोकितेश्वर इसमें हम लोग बोधिसत्व के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें इनमें माना जाता है कि जो लॉर्ड बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा की ही इनकारनेशन जो है 108 उनके इनकारनेशन अवतार, इनकारनेशन मतलब अवतार होंगे और जो भी इसमें मतलब जिनको भी एनलाइटेंड जितने भी लोग हैं, एनलाइटेंड लोग जो हैं उनको चूज किया जाता है एज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर, इनके हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर के रूप में उसको चूज किया जाता है और उन्हीं को ये दलाई लामा बोलते हैं। ठीक है, तो दलाई लामा कौन है,
इनकार्नेशन, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 108 इनकार्नेशन है बुद्धिज्म के हिसाब से, जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके 108 अवतार हैं। और जो दलाई लामा होते हैं, ये किसको किसके लिए रेफर किया जाता है, इनके हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं, हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर। और इनका सिलेक्शन मतलब इनको एक तरह से इनका इनको इनको सिलेक्ट किया जाता है, जितने भी ये बुद्धिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट दलाई लामा। जो अभी ये जो दलाई लामा है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इनको सिलेक्ट करने में पूरे 4 ईयर्स लगे थे। इट टुक 4 ईयर्स टू सिलेक्ट द प्रेजेंट दलाई लामा। व्हाई कैन नॉट आई इरेज इट, इट टुक कंप्लीट 4 ईयर्स, 4 ईयर्स लगे थे फॉर द सिलेक्शन ऑफ करंट जो अभी दलाई लामा। स्लाइड से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे की। लुई ब्रेल के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छी इन्होंने एक इन्वेंशन की और एक जरिया बनाया उन लोगों के लिए भी जो कि डिफरेंटली एबल्ड थे, दोज हु डिड नॉट हु कुड नॉट सी, जो देख नहीं सकते थे, उन लोगों के लिए एक एक उनको मीडियम दिया कि वो मेन स्ट्रीम से अलग ना हुए, वो उनके पास भी एक रीजन हो, लाइक मोटिव हो, उनके पास पढ़ सके लिख सके, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेंशन इन्होंने की थी लुई ब्रेल ने। और एट द एज ऑफ 3 ईयर्स, बहुत छोटे थे ये, 3 साल के थे तब इनके साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था, इनकी आईज जो है डैमेज हो गई थी, एक आई इनकी डैमेज हुई थी और दूसरी आई में भी, वो एक आई में इन्फेक्शन हुआ था और फिर दूसरी आंख तक भी वो स्प्रेड हुआ और इनकी दोनों आंखें डैमेज हो गई थी। उसके बाद इनको भेजा गया, स्कूल थे कई पेरिस में, कई स्कूल्स थे, एक स्कूल में इनको भेजा गया, वैलेंटिन हुए का एक स्कूल था, वैलेंटिन हुए, वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वैलेंटिन हुए का एक स्कूल था, वहां पर ये गए और वहां पर जब ये पढ़ते थे तो इन्हें लगता था, वैसे वो जो बुक जो वहां की जो बुक्स थी वो मतलब लेटर्स जो होते थे वो काफी उभरे हुए लेटर्स होते थे, सो दैट वो जो ब्लाइंड लोग हैं उसको टच करके सिर्फ टच करने से उन्हें पता चल पाए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बट वो बहुत इनकन्वीनियंट वे था। तो वहां पढ़ते पढ़ते ही एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 ईयर्स के थे और ये जब भी वेकेशन के लिए अपने घर आते थे तो तब ये इस चीज पर रिसर्च करते थे और पढ़ते पढ़ते इन्होंने ये नया तरीका जो है लुई जो ब्रेल स्क्रिप्ट है जो इन्होंने फॉर्म की, ब्रेल स्क्रिप्ट इन्होंने बनाई एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। सो दैट इज व्हाई इनका बर्थडे होता है ये January 4 को, यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया था ये डे कि हम लोग 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के नाम से मनाएंगे। सो और अवेयरनेस भी क्रिएट करता है ये डे, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रेल स्क्रिप्ट का कितना इंपॉर्टेंस है फॉर द ब्लाइंड पीपल और उनको कम्युनिकेशन के लिए उनको कितना ये इसका क्या रेलेवेंस है, सो उसके लिए इसी के अवेयरनेस के लिए ये डे जो है ऑब्जर्व होना स्टार्ट हुआ। सो 4 जनवरी इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ब्रेल डे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन डे ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेशन डे होता है 1 जनवरी को, इसका फाउंडेशन डे होता है और हमें पता है इट वॉज द 64th फाउंडेशनल डे, इट वॉज द 64th फाउंडेशनल डे ऑफ DRDO। और DRDO में अभी कई सारे प्रयास हुए हैं, कई सारे अग्नि पी मिसाइल अभी लॉन्च हुई है, कई सारे जो है ये लोग अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अभी जो अगर मैं DRDO के एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1958 और इससे पहले मतलब जो DRDO से पहले जो थी ऑर्गेनाइजेशन वो उसका नाम था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, उसको अमेलगमेट किया और फिर फॉर्म हुआ DRDO। अर्लियर जो DRDO फॉर्म हुआ था वो 50 इसकी लेबोरेटरीज थी, 10 लेबोरेटरीज के साथ इसने स्टार्ट किया था, लेबोरेटरीज के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था एंड नाउ इट हैज 52 अराउंड 52 लेबोरेटरीज ऑल ओवर इंडिया। करेंटली जो है अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूं मैं,
करंटली इट हैज 52 लेबोरेटरीज और इन देहरादून में भी में ही अगर हम खुद देहरादून की बात करें तो इट हैज टू लेबोरेटरीज इन देहरादून, एक डील के नाम से है और एक आईआरडी। तो दीज टू लेबोरेटरीज आर हियर इन देहरादून। और इसके अगर मैं चेयरमैन की बात करूं तो कौन है जी, सतीश रेड्डी। ठीक है, तो आज हम लोग वाइंड अप करते हैं विद द करंट अफेयर्स और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।